मुझे बहुत पेंटिंग पसंद है। मैंने जो एग्जीबिशन सेलेक्ट किए वो है नॉर्दर्न आर्ट म्यूजियम एंड जाली फेमिनिस्ट लाइब्रेरी। रिकॉग्नाइज मैंने यूके पैरिमेंट में किया है और यूएन वुमन भी किया है। यूएन ओ या एम्बेसी किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव अफनान, सुनो डिजिटल में खुश आमदीद। आज आपको ऐसी एक लड़की से मिलवाने वाले हैं जो डाउन सिंड्रोम के साथ ही इस दुनिया के अंदर आई, लेकिन इस डाउन सिंड्रोम होने की वजह से वो किसी माजूरी और किसी महरूमी का शिकार नहीं रही, बल्कि अपनी आर्ट के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। पूरी दुनिया ने उसकी तायद की। बैन अल-अक़वामी सतह पर आलमी मुकाबलों के अंदर उसने हमेशा पज़ीराई हासिल की। सैयद अलिशबा अमीनुद्दीन उसका नाम है, 23 साल उसकी उम्र है और डॉक्टर इफ़त सुल्ताना जो उनकी वालदा है उनकी जानिब से हमेशा अपनी साहबजादी सैयद अलिशबा अमीनुद्दीन जो डाउन सिंड्रोम का शिकार है उसके हवाले से कोशिशें की गई। तो एक और कोशिश की गई है कि उनकी जानिब से आर्ट एंड कैफे खोला गया है। तो उनकी वालदा और सैयद अलिशबा से इस हवाले से बातचीत करते हैं। जब हमें पता चला कि अलिशबा डाउन सिंड्रोम के साथ है तो बहुत अफसोस भी हुआ, उस वक्त ये दुख हुआ या परेशानी हुई कि इसको हम किस तरह से ब्रॉटअप करेंगे। उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये होता क्या है, चैलेंजेस भी थे, खौफ भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड, द सपोर्ट ऑफ फैमिली, जो हमारी फैमिली थी, सब ने सपोर्ट किया और फिर डॉक्टर्स जो हमें मिले वो बहुत अच्छे थे। हमने बर वक्त अलिशबा की थेरेपीज़ करवाई और हमने बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया। पहले दिन से मैं इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर थी कि मुझे इसको स्पेशल स्कूल में नहीं डालना। कैन यू बिलीव कि अलिशबा ने 14-15 साल की उम्र तक कोई 10 स्कूल तब्दील कर लिए थे। और फिर उसके बाद जब वो 6th क्लास में थी तो उस वक्त वी पेरेंट्स डिसाइडेड कि इनफ इज़ इनफ, अब हम इसकी स्कूल जो है वो होम स्कूलिंग शुरू करवाते। फिर हमने इसकी होम स्कूलिंग की और फिर इसने तमाम जितनी भी अपनी क्वालिफिकेशन है वो होम स्कूलिंग के ज़रिए और होम ट्यूशन्स के ज़रिए ही हासिल की। अलिशबा बेतहाशा कलर से खुश होती थी। मेरी लिपस्टिक से अलिशबा ने सारी दीवारें ख़राब की हुई थी, अब तो वो ख़राब नहीं कहेंगी हुई, बस उसने आर्ट किया हुआ था अपना और उसको कलर, उसको वो घंटों कलर्स के साथ मसरूफ़ रहती थी और मैं देख रही थी कि ये इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अलिशबा कुछ भी कॉपी नहीं कर सकती, अलिशबा किसी चीज़ को देख के नहीं बना सकती, अलिशबा चीज़ों को कंसीव करती है और अपने तौर पर पेंट करती है। आप उसका आर्ट देख सकते हैं, ज़्यादातर वो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर काम करती है लेकिन वो बेतहाशा मीडियम्स को यूज़ करती है। अलिशबा वो वाहिद पाकिस्तानी स्टूडेंट है डाउन सिंड्रोम के साथ जिसने अभी इंटरनेशनल फ्रेंच लैंग्वेज का एग्जाम पास किया है और बल्कि टॉप किया है अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो और इस वक्त अलिशबा माशाल्लाह इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन 5 जबानें बोल और समझ सकती है। तो लैंग्वेज और आर्ट ये इसका मेनली शौक है। जो पॉपुलेशन हमारे पास है जो कि हर माशरे का एक हिस्सा होते हैं, बच्चे जो यूनिक एबिलिटीज़ के साथ होते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्हें प्रमोट करें, ऐसे इदारे बनाए जाएं जहां इनकी तख्लीकी सलाहियतों को और जो है वो पॉलिश किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको छोटे कर्जे प्रोवाइड किए जाएँ आसान अकसात के ऊपर जहाँ पर वो अपने सेटअप बना सकें। आज अलिशबा इस गैलरी की ओनर है। मेरा मकसद ही यही था कि अलिशबा को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना। पेरेंट्स को चाहिए पहले तो एक्सेप्ट करें, हमारे यहाँ एक्चुअली पेरेंट्स डिनाइल में होते हैं, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके बच्चों के साथ कोई चैलेंजेस हैं। अगर कोई दूसरा इसको हाईलाइट भी कर रहा होता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, आप जब तक डिनाइल में रहेंगे आप अपने बच्चों की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते, आप उस डिनाइल से निकलिए। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये ब्लेसिंग है, ये जिस घर में आते हैं खुशियाँ लेकर आते हैं। आप इनके साथ काम करिए, इन्जॉय करिए इनके साथ लाइफ को जैसे कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं। जो बच्चे यूनिक एबिलिटीज़ के साथ हैं उनका अल्टीमेट हमें उनको इस माशरे का ना सिर्फ कारामत शहरी बनाना है बल्कि उनको उनके पाँव पर भी खड़ा करना है इकोनॉमिकली भी। ये मैं मैरिज लेना चाहती हूँ कि हर आर्टिस्ट मैंने पेंटिंग एक्सिबिट करने और एक्सप्लोर करने और डिस्प्ले करने और मेरी तरह आर्टिस्ट बने।